Let's start. So almost till half time and even a few minutes after that, so it was almost an equal fight. So what was the positive? What was the discussion among the players? How it went? बस यही था कि पूरा मैच में रहना है, 20 मिनट निकल चुके थे तो बराबर था, तो हमने यही प्लान किया था कि भाई यहाँ पे उनके रेडरों पे फोकस था कि बोनस बार बार जा रहा है उस पर थोड़ा फोकस था, और उधर अपने रेडर थे जो उनको बोला आप भी ट्राई करो बोनस और पॉइंट मिलते हैं, तो वहाँ से हमारे रेडर सक्सेस हुए और फिर यहाँ पे डिफेंस जैसे बोला था वैसे खेला। आपने गुमान सिंह के साथ काफ़ी अलग अलग रेडर्स ट्राई किए, आशीष को ट्राई किया, हम कुछ ट्राई किया तो बीच में जय भगवान को नहीं, तो आज जो एक्रमी का परफॉर्मेंस था उससे क्या अपन अभी एक्रमी हर मैच में आपका सेकेंडरी रेडर बनेगा गुमान को सपोर्ट करने? नहीं, वो हम टीम के हिसाब से जो जैसा उन दूसरी टीम का डिफेंस होगा उस हिसाब से हम सेकंड रेडर चूज करेंगे। आज इकरामी ने अच्छा काम किया तो क्या पता कल नेक्स्ट कौन अच्छा कर जाएगा, तो यही प्लान रहेगा अपना। फोर विंस थ्री लॉसेस फिफ्थ इन द टेबल, सो व्हाट यू विल टेक फ्रॉम द बैंगलोर? यू आर गोइंग टू योर होम होम क्राउड, सो व्हाट यू विल टेक? तो बेंगलोर में जो रिजल्ट हम सोच के चले थे काफ़ी हद तक हो ही रहा है, और अभी पुणे में जा रहे हैं तो अपना होम ग्राउंड है, अच्छा करेंगे उधर और अच्छा करेंगे, यहाँ से ज़्यादा उम्मीद यही रखेंगे कि यहाँ से अच्छा करें। सुरेंद्र जी, अगर आपसे यही सवाल करा जाए कि बेंगलोर से आप क्या पॉजिटिव्स लेके चलेंगे और हम टीम से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं पुणे में? अभी जो हमारे साथ मैचेज हुए हैं उनमें जो भी हमने जीते हैं जो भी हमने हारे हैं उनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है, तो अभी बेंगलोर में हमारा लास्ट मैच था जो बहुत अच्छा रहा, और सबसे बड़ी बात है हमारी टीम बॉन्डिंग बहुत अच्छे से खेली आज, तो वो चीज़ हम लेके जाएंगे आगे। अब अभी पुणे में मैच है तो वहाँ पर तो हमें बहुत सपोर्ट मिलेगी हमारे मुंबई पलटन से, तो उम्मीद यही है, तो बाकी हमारी टीम बहुत अच्छा खेलेगी। जैसे थोड़ा सा खेलने में डर तो लगता है लेकिन कोच साहब ने मोटिवेशन किया है, और हमारी जो टीम के कोच साहब हैं मैनेजमेंट है उन्होंने फुल सपोर्ट कराया टूर्नामेंट है, बेफिक्र खेलो आप जितना अच्छा खेलोगे यंग हो, जैसे जैसे डर लगता है तो कोच साहब तुरंत आप समझा देते हैं, बीच बीच में कई बार गलती भी हो जाती है, जैसे पिछला मैच में गलती हुई थी उस चीज़ मैच में सीख कर कोच साहब ने कहा था बढ़िया खेलना है, मोटिवेशन करें इसलिए बढ़िया खेलेगा। कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है ये सीधा कॉलेज लेवल से आके यहाँ पे पीकेएल के स्टेज पे खेल रहे हैं? बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, सबसे बड़ी है कि पहला सीजन है और बढ़िया मौका मिल रहा है, टीम भी सपोर्ट कर रही है, कोच साहब मैनेजमेंट भी बढ़िया सपोर्ट कर रहे हैं, इससे खेलने में बहुत खुशी हो रही है, थोड़ा आगे बच्चे करने के लिए कोशिश करेंगे। आप पिछले मैचेस में आपके लीड ज़्यादातर आप मेंटेन नहीं कर पाए थे, बट आज आपने जो एक बार लीड ले ली थी उसको आपने बरकरार रखा, तो आज क्या आपने अलग किया कि जिस तरह से लीड को आप मेंटेन कर पाए? पिछले मैच में भी हम अपनी गलतियों से हारे थे, हमने यही कोशिश किया इस मैच में कि फिर दोबारा वो गलती ना हो, क्योंकि गलती से सीखने को मिलता है, और पिछले मैच को देख के हम बहुत कुछ सीखे, तो वो चीज़ हमने मेंटेन रखी इधर। जय, आपके लिए क्वेश्चन है, आप जैसे यानी ज़्यादातर रेडिंग की तरफ होते हैं बट आप डिफेंस में भी काफ़ी खेलते हैं, आप अलग अलग पोजिशन पर खेलते हैं, तो आपका क्या एक्सपीरियंस है अलग पोजिशन पर खेलना? आपने स्पेसिफिकली पोजिशन के लिए प्रैक्टिस की है, डिफेंस में भी आपने आज सुपर टैकल भी किया, उसके बारे में? कोच साहब ने हमें जिस सिचुएशन के हिसाब से पूरा प्रैक्टिस करवा रखी है, जैसे जैसे कभी कभी डिफेंडर को भी डिफेंस आउट हो जाएगा तो रेडर को भी खेलने के लिए मौका मिलेगा, इसलिए कोच साहब पहले प्रैक्टिस करवाते हैं, दो में तीन में जैसे रेडर आउट हो जाए तो रेडरों को डिफेंस करवाते हैं, उस हिसाब से हम प्रैक्टिस करते हैं जिससे मैच में परफॉर्मेंस दे पाते हैं। डिफेंस में जो कोऑर्डिनेशन कम्बिनेशन से खेलना चाहिए था वो नहीं खेले, और जो हमारी मेन स्ट्रेंथ है रेडिंग की उसमें भी दो तीन मिस्टेक हुई, तो वहाँ पे भी गेम चला गया। अदरवाइज डिफेंस का ही मैं ये मानता हूँ, अगर किसी भी टीम का, मैं फर्स्ट डे से वही बोल रहा हूँ, अगर डिफेंस
जो अपना 10-12 कैचेज नहीं किएगा तो टीम ट्रेवल करेगी, कोई भी टीम हो। वो डिफेंस भी आज अच्छा नहीं कर पाया और रेडिंग में 2-3 गलतियाँ हुई, उस वजह से मैच गया। नहीं, लास्ट टाइम तो जो है क्वारंटाइन की वजह से, कोविड की वजह से पब्लिक नहीं थी, और जब इस तरह जब गेम होता है और पब्लिक में वो गेम खेला जाता है तो एक अलग मोटिवेशन मिलता है। और ख़ासकर बेंगलोर के जो भी फैंस हैं, बेंगलोर के जो भी लवर हैं, मैं उनको थैंक्स बोलूँगा कि उन्होंने एक साल के बाद जो लीग पब्लिक के सामने हुई है, ग्राउंड के सामने हुई है, तो उन्होंने बहुत प्यार दिया और जो 3 वीक यहाँ पे गेम चले और जो उन्होंने सभी बेंगलोर को तो जो जो टीम होगी उसको तो सपोर्ट करते ही हैं, लेकिन दूसरी टीमों को भी उन्होंने बहुत मोटिवेट किया। तो जितने भी कबड्डी लवर हैं, जितना भी कबड्डी के वो फैंस हैं, मैं बेंगलोर उन सबको थैंक्स बोलता हूँ कि उन्होंने कबड्डी खेल को और कबड्डी खिलाड़ियों को बहुत मोटिवेट किया और वो ऐसे ही करते रहें, इसी की बदौलत कबड्डी आगे बढ़ेगी। You have finished almost in the middle of the table, so first level of Bangalore. So whether you are satisfied or what is the specific negatives and positives? How you think? देखो, कोई भी कोच होता है, अगर वो फर्स्ट में भी है, सेकंड थर्ड में भी है, तो सेटिस्फाइड नहीं होता, क्योंकि कुछ ना कुछ कमियां रहती हैं। सेटिस्फाइड तो मैं ये कहूँगा कि नहीं हूँ, लेकिन जो भी गलतियां आज हुई और वो नेक्स्ट मैच में ना हो और नेक्स्ट मैच हम विन करें, वो प्लान स्ट्रेटजी करेंगे कि भाई आज जो गलतियां डिफेंस में हमने की वो नेक्स्ट मैच में ना करें, तभी आगे बढ़ सकते हैं। सर, अगर पूरे बैंगलोर को, पूरे 7-8 मैचेस को देखा जाए तो उसमें से क्या पॉजिटिव्स लेके आप पुणे में चलेंगे? पुणे में टीम यही लेके चलेगी कि पिछले जो दोनों मैच कंटिन्यू जीते और अपना रेडिंग में और डिफेंस में भी अपना बेस्ट दिया, अगर टीम ऐसे एकजुट होकर डिफेंस ऑफेंस दोनों में अगर अच्छा करती है, तभी टीम आगे बढ़ पाएगी। वही लेके चलेंगे कि जो आज जो मैच में गलतियां हुई और डिफेंस में भी हुई, ऑफेंस में हुई, उस पर काम करेंगे कि वो नेक्स्ट मैच में गलतियां ना। नहीं, आज राकेश भी अच्छा खेला, फिर प्रतीक दहिया ने भी बढ़िया खेला, थोड़ा डिफेंस में कमियाँ थी इसलिए हम लोग थोड़ा हाफ टाइम तक बराबर चला, उसके बाद हम लोग थोड़ा पीछे आ गए। अगले मैच में ऐसा नहीं होगा, गलती नहीं होगा, राइडर भी चलेंगे, डिफेंस भी चलेंगे, अभी 2-3 दिन का टाइम है हमारे पास, उसके बाद कोच साहब के साथ रेक्टिफाई करेंगे, अच्छे खेलेंगे आगे। ಇಲ್ಲ, ಕನ್ನಡಿಗರು ತುಂಬ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಬುಲ್ಸ್ ಮ್ಯಾಚಿಗೆ ತುಂಬ ಜನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಇವತ್ತು ತುಂಬ ಜನ ಕ್ರೌಡ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮೂರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕಬಡ್ಡಿಗೆ ಈ ಥರ ಒಂದು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡ್ತಿರೋ ಒಂದು ಅಪ್ರೋಚ್ ಎಲ್ಲ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ राकेश। आज के मैच में आपका 12 पॉइंट आया, बट उनमें से 6 एमके रेट थे, 5 अनसक्सेस होता, क्या चंद्ररंजन की इंजरी की वजह से आपके थोड़ा प्रेशर आया रीडिंग करने में? आपके लिए सवाल वो पूछ रहे हैं, चंद्ररंजीत नहीं थे तो थोड़ा प्रेशर आया क्या? थोड़ा प्रेशर आ गया था, लेफ्ट साइड का इंटर भी नहीं था, सारा प्रेशर डिफेंस भी ने भी वो सपोर्ट नहीं किया जो डिफेंस, जैसे कोई भी रेडर एक पॉइंट लेके आता है और जब जब रिक्वायरमेंट होती है, टीम इक्वल चल रही है और जहाँ लीड करने की बात आती है कि अभी ये पॉइंट लेके आया है और आके हमारा डिफेंस कैच करेगा, तो वहाँ फिर खिलाड़ी कोई भी रेडर उसको डबल मतलब मोटिवेशन मिलता है, एक तो वो स्कोर लेके आया है, दूसरा वो वहाँ पर टीम कैच कर रही है तो उसको और मोटिवेशन मिलेगा, तो दूसरी टीम प्रेशराइज हो जाती है तो फिर तभी टीम अप कर पाती है, क्योंकि एक प्लेयर लेके आता है फिर वो यहाँ से अगर 2 चले गए, 1 पॉइंट लेके आए, तो वहाँ पर टीम भी ट्रेवल करती है और जो रेडर है उसमें भी प्रेशर आता है।